दी गई है आने वाली फिल्म अटैक की रिलीजिंग डेट। कौन कर रहा है इस फिल्म को प्रोड्यूस? क्या है फिल्म में इन कलाकारों के किरदार का नाम? नमस्कार, बॉलीग्राड स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अटैक मूवी से रिलेटेड कुछ बातें। 14 अगस्त के बाद आने वाली जॉन अब्राहम की फिल्म थिएटर में अपना जलवा अब 13 अगस्त को दिखाएगी। जी हाँ, फिल्म की डेट में हाल ही में बदलाव आए हैं। आने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं लक्ष्य राज आनंद। अपनी कई एक्शन फिल्मों के लिए पॉपुलर राज आनंद ने बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की 2012 में आई फिल्म एक था टाइगर और 2014 की बैंग बैंग फिल्म को डायरेक्ट किया था और दोनों ही फिल्मों में अभिनेत्री के रूप में कटरीना कैफ को देखा गया था। वहीं इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जयंती लाल गड़े, अजय कपूर और जॉन अब्राहम। बात जॉन के प्रोड्यूसर करियर की करें तो 2012 में आई विक्की डोनर फिल्म जिसमें आयुष्मान खुराना, अन्नू कपूर और यामी गौतम लीड रोल में नजर आए थे। इसी फिल्म से जॉन ने डेब्यू किया था एज अ प्रोड्यूसर और इस फिल्म में जॉन को आइटम डांस करते हुए भी देखा गया था। जॉन की प्रोड्यूस की गई इस फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और वहीं ये फिल्म काफ़ी सक्सेसफुल भी रही। उसके बाद जॉन ने मद्रास कैफे भी प्रोड्यूस की जिसे डायरेक्ट किया था शौजित सरकार ने। और बॉलीवुड में ही नहीं, जॉन ने 2018 में आई मराठी फिल्म सविता दामोदर परंजपी को भी प्रोड्यूस किया था। वहीं आने वाली इस फिल्म में जॉन का नाम नील आनंद है, जैकलीन एज अ पूजा शर्मा और रकुल प्रीत सिंह का नाम सोनाक्षी अरोड़ा है। वहीं आने वाली फिल्म जो कि एक सच्ची कहानी पर आधारित है जहां हमें देखने को मिलेगा एक मर्डर जिसका कोई एविडेंस नहीं पाया गया। आज के समय में कश्मीरी पंडितों के साथ चल रहे इशू जहाँ इन्हें अपने ही कश्मीर वैली से निकाला जा रहा है और इन्हें टेररिज्म की तरफ धकेला जा रहा है। आने वाली फिल्म अटैक की स्टोरी इसी समय के इन कश्मीरों पंडितों पर आधारित होने वाली है जहां इस स्टोरी को एक हॉस्टेज के रूप में दिखाया जाएगा और एक बार फिर जॉन इस फिल्म में रेस बाइकर का किरदार करते नजर आएंगे। तो देखना होगा कि कई ऐसी सीरियस मुद्दों पे बनी फिल्मों के बीच अब जॉन की आने वाली ये फिल्म क्या नया मैसेज और क्या नया बवाल लेकर आती है, 13 अगस्त को देखना बनता है। तब तक के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको जॉन की कौन सी प्रोड्यूस की हुई फिल्म ज़्यादा पसंद आई थी और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियो।